Hello my dear children, so today we are going to discuss about the topic from chapter force and laws of motion. तो force and laws of motion हम discuss कर रहे थे, उसमें हमने discuss किया first law of motion that says that a body remains at rest or in motion until or unless an external force is not applied. तो आज हमने start किया inertia. Inertia क्या होता है? This is the inability of a body to change its state, right? अब वो स्टेट क्या है? स्टेट होती है तीन तरह से, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन. तो स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, राइट. तो उसको हम एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी से करेंगे जिसमें हमारे एक स्टूडेंट की हेल्प लेंगे, राइट. तो एक बच्चा आ जाओ जल्दी से जो ये एक्टिविटी करेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टेकन वन ग्लास, राइट. एक ग्लास है हमारे पास और ये एक कार्डबोर्ड है, शीट है हमारे पास, कार्डबोर्ड शीट और एक कॉइन है, राइट. तो हितेश हमारे साथ ये एक्टिविटी करके दिखाएगा. हितेश, यू हैव टू शो इट इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बैठ के कर सकते हो, बैठ के. सो ही हैज कैप्ट दिस कॉइन. अब इसको क्या करना है, फ्लिक करना है पीछे से, उस तरफ से पीछे से फ्लिक करो जोर से. सो 5 rupees कॉइन अब आ गया इस ग्लास के अंदर. Now we are going to repeat with 1 rupee coin. So now we are again going to repeat that activity. We have full glass of water under a sheet. तो अब इश्मीत हमारा try करेगा इसको निकालने की to prove inertia of rest. एकदम झटके से देखते हैं. So very good, very good. So now we are going to that activity again. अब हमने glass को क्या कर दिया, खाली, right? पानी निकाल दिया, हल्का कर दिया. Now इश्मीत will try to do it again. एकदम झटके से. सो इन ऑल दिस एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन हितेश वाज फ्लिकिंग द कार्डबोर्ड द कॉइन वाज फॉलिंग इनसाइड द ग्लास, राइट. व्हेन इश्मीत वाज जस्ट ट्राइंग टू पुल दैट पेपर विद अ जर्क, देन द ग्लास वाटर वाज नॉट फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ग्लास, इवन द ग्लास वाज एम्प्टी. एंड व्हेन नमन ट्राइड विद द स्मॉल बॉक्स ऑफ इंक, देन इट वाज ऑल्सो placed at the same place. So these all activities shows the inertia of rest, that a body tries to remain at rest until or unless an external force is not applied. अब वो body थी, हमने paper था या हमने flick किया, तो जहाँ पे थी वो वहीं पे रहने की कोशिश करती है, इसी वजह से coin गया glass में और ये जो चीज़ें थी वो अपने place पे रही, right? तो अब हम next activity में करेंगे कि how does inertia is related to mass. Thank you so much for watching. Trying to flick that hanky from the book. धीरे धीरे खिसकाओ इसको. So you can see the book is moving along with the hanky. But the moment you will give a jerk, नमन try with a झटका. So now the book was placed there. In case of this ink and in case of duster, when you will perform this activity. So this activity shows that the mass of book was very very high as compared to द इंक बॉक्स एंड एज कम्पेयर टू द डस्टर. तो वो जो बुक थी वो वहीं रही. तो वट डज इट शो, इट शोज दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास. जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मतलब वो अपनी जगह से बहुत कम हिलेगी एज कम्पेयर टू द बॉडी विद द लेसर मास. तो मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया, लेस मास मीन्स लेस इनर्शिया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.